get paid Rs 70 per hour for his normal working 8 hours daily 6 days week. The rate of overtime 1.5 of Rs 70 per hour. If he works 40 hours as overtime, then work out his gross monthly pay. कहता है असलम है वो उसको पर घंटे की मजदूरी कितनी मिलती है 40 पर घंटे की मजदूरी 70 रुपये मिलती है. वो काम करता है 8 घंटे दिन के और 6 दिन हफ्ते में. मंथली हमने उसका ओवर टाइम क्या रेट है, नॉर्मल जो रेट है ना उसका जो मजदूरी महीने की बनती है वो क्या है 70 रुपये पर घंटा. लेकिन अगर ओवर टाइम दिखाता है तो उसे 1.5 रुपीज़ मिलते हैं 70 की बजाय 1.5 रुपीज़. 70 का 1.5 क्या होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70 इसका लिखा था उसका 15/10 × 70 तो 0 से काट जाएंगे ये बन जाएगा 70 और 115 मल्टीप्लाई बाय 7 135 ये बन जाएगा 105. तो इस तरह करके 1.5% ऑफ 70 70 रुपये का 1.5 क्या बन जाएगा 105. मतलब एक 1.5 नहीं है, ये बेसिकली है एक पूरा 1 + 0.5. 1 क्या 70% का होगा 70 और 0.5 क्या होगा 35. ये 1.5 लिखा हुआ है तो ये क्या आ जाएगी उसकी 1.55. अच्छा नॉर्मल से हम बैक साइड पर सवाल हल पिछल करके आ चुके हैं, उसी तरह स्टार्ट करेंगे उसके वर्किंग हार्स निकाल लेंगे एक महीने में वो कितना काम करता है. उसके बाद ओवर टाइम निकाल लेंगे दोनों का, मंथली हार्स को मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज से तो उसका टाइम आ जाएगा जैसे नॉर्मल पे है. और फिर ओवर टाइम का जो हार्स है उसको 1.5 के जो रुपीज़ निकालेंगे 70 से 105 निकाले मैंने मल्टीप्लाई करेंगे तो जो जवाब आएगा दोनों को ऐड कर देंगे मंथली उसकी पे बन जाएगी. सबसे पहले लिखेंगे डेली वर्किंग हार्स, डेली वर्किंग हार्स, डेली वर्किंग हार्स वो दिन के कितना काम कर रहा है वो है 8 hours daily. वो दिन का कितना काम कर रहा है 8 घंटे. अच्छा तो वर्किंग डेज इन अ वीक, वर्किंग डेज इन अ वीक. एक हफ्ते में वर्किंग डेज कितने हैं 7 दिनों में से वो 6 दिन काम करता है वही 6 days. 6 दिन वो काम करता है, 6 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हफ्ते का निकलेगा वो हफ्ते में कितना काम करता है. अब हमने फाइंड करेंगे 1 week और ठीक तो वर्किंग डेज इन अ वीक तो वर्किंग हार्स इन अ वीक किससे आ जाएंगे वर्किंग हार्स डेज को हार्स से मल्टीप्लाई कर देंगे वर्किंग हार्स इन अ वीक. वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है 6 × 48 ये बन जाएगा 48 hours. वो एक महीने में एक दिन में एक हफ्ते में कितने काम कर रहा है 48 घंटे और एक महीने में तो नंबर ऑफ वीक्स इन अ मंथ कितने हैं 4. तो वर्किंग हॉर्स इन अ मंथ क्या बन जाएंगे 48 × 4 क्या आ जाएगा वर्किंग हॉर्स इन अ वीक क्या आ जाएगा 4 × 48 = 192. 48 × 4 ये बन जाएगा 192 hours. तो वो एक हफ्ते में कितना काम कर रहा है 192 hours. और नॉर्मल ये क्या है ये उसकी वर्क की वे बन रहा है ओवर टाइम नहीं
तो इसकी क्या आ रही पेमेंट ऑफ 192 हॉर्स वर्किंग हॉर्स, यहाँ पहले लिखे पेमेंट, पेमेंट ऑफ वन हॉर, पेमेंट ऑफ वन हॉर कितनी है 70 रुपीज आर एस 70, तो पेमेंट ऑफ 192 हॉर्स पे मेंट ऑफ 192 हॉर्स, 192 हॉर्स क्या बन जाएगी 192 मल्टीप्लाई बाय 70, ये बन जाएगा 192 मल्टीप्लाई बाय 70 13,440 आर एस 13,440 रुपीस, इसको हम ये नंबर वन कर देंगे, ये क्या आ गई पेमेंट ऑफ 92 हॉर्स। अच्छा सेकंड, अब हमने फाइंड करना है ओवर टाइम वाला, अब आगे ओवर टाइम की हमने पेमेंट फाइंड करनी है कि ओवर टाइम भी से कितनी है, सवाल नीचे से तरह के कंटिन्यू। तो अब क्या फाइंड करनी है ओवर टाइम की पेमेंट, ओवर टाइम की हमने पेमेंट फाइंड करनी है, पेमेंट ऑफ ओवर टाइम बन जाएगी इसके ऊपर पहले रेट ऑफ ओवर टाइम क्या है, रेट ऑफ ओवर टाइम है, रेट ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम रेट ऑफ ओवर टाइम है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 70 के एक 70 का एक शर्य पाँच, 70 का एक शर्य पाँच क्या बन जाएगा 1.5 15 डेसिमल रिमूव, डेसिमल से फ्रैक्शन सिस्टम है 70 जीरो जीरो से कैंसर, तो ये बन जाएगा 15 इंटू 7, ये बन जाएगा 15 इंटू 7 15 7 बन जाएगा 7 5 से 35 7 1 से 7 8 9 10 105, तो क्या आ जाएगा 15 बाय 2 7 105 ठीक। आर एस साथ लिखें, ये क्या आ गई ओवर टाइम की इसकी मजदूरी आ गई रेट ऑफ ओवर टाइम। अब उसने कितने ओवर टाइम लगाया 40 हॉर्स एज ओवर टाइम, तो पेमेंट ऑफ 40 हॉर्स पेमेंट ऑफ 40 हॉर्स ऑफ ओवर टाइम, ओवर टाइम के 40 हॉर्स क्या बन जाएंगे, ओवर टाइम के जो 40 हॉर्स उसने लगाए आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 105, ये बन जाएगा 4,200 आर एस, इसे हम कर देंगे 2, ये इसके 192 हॉर्स उसने काम किया महीने में और ये क्या आगे 40 ओवर टाइम के, तो टोटल पेमेंट क्या बन जाएगी, ग्रॉस पेमेंट उसकी जो ग्रॉस सैलरी या ग्रॉस पेमेंट क्या बन जाएगी, ग्रॉस पे पेमेंट, पेमेंट उसकी ग्रॉस पेमेंट क्या बन जाएगी 13,440 प्लस करेंगे 4,200, दोनों जब ऐड होंगे 4,000 ये बन जाएगा 17,640 आर एस 17,640 ग्रॉस पेमेंट, ये हमारा आंसर आ गया और ये पिछले कैसा स्टेप था सवाल आगे, तो यहाँ पर आगे सवाल एंड हो गया, क्या आंसर आ गया हमारा 17,640 उसकी टोटल पे है।